हेलो एंड वेलकम एवरीवन। बारिश यू नो कल से बहुत ज़्यादा हो रहा था, बट इवनिंग तक वो थोड़ा कम भी हो गया। सो लेट्स होप कि कल मौसम अच्छा रहे, बिकॉज ये हमारा लास्ट डे होगा। एंड कल मौसम इसलिए मैं प्रे कर रही हूँ अच्छा रहे, बिकॉज ईमा मार्केट जो है वो खुल गया है। यस, एंड वी आर वेरी एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। सो लेट्स होप एंड प्रे, एंड प्लीज़ ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि हम यहाँ पे घूमने नहीं आए थे मणिपुर में। हम लोग चेकअप के लिए आए थे, कुछ मेडिकल इश्यूज थे, सो दैट्स व्हाई वी केम टू मणिपुर। एंड एज यू कैन सी मौसम बहुत अच्छा रहा है, आज बहुत अच्छा है, धूप भी निकल गया है, सो हम लोग बहुत खुश थे। सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो एंड एन्जॉय। ओके, जो मेरा पहला वीडियो था मैंने बताया था कि ईमा मार्केट के बाहर बहुत ज़्यादा एंड इट इज़ वेरी फेमस। एंड यहाँ पे एक्चुअली तीन ईमा मार्केट है जितना मैंने देखा है, आई माइट बी रॉन्ग, बट यहाँ पे मैंने तीन देखा है, 1, 2, 3। एंड यहाँ पे जब आप जाओगे तीनों में आप बहुत अलग अलग चीज़ें पाएंगे, जो कि ये आप देख सकते हो। इसमें मैंने जितना नोटिस किया है सब लोकल चीज़ आप पाओगे, यहाँ पे सब लोकल था। एंड यू नो ईमा मार्केट यूजली आई थिंक इज़ दैट कोविड-19 के कारण ये खुला ज़रूर था, बट इतना क्राउडेड नहीं था नॉर्मल डेज में जैसे खुलता है। एंड आई थिंक उसी के कारण ये मार्केट इतना भरा नहीं था जैसे मैंने बताया था, कुछ कुछ जगह बहुत खाली था। एंड ये मार्केट बहुत बड़ा है, लेट मी टेल यू बहुत बड़ा है। एंड आगे चल के मैंने ये भी देखा कि यहाँ पे भगवान का सामान आपको मिल जाएगा, यहाँ पे भगवान का सामान, भगवान के लिए सामान बहुत ज़्यादा थे। एंड यहाँ पे दो मंदिर भी थे, इसका नेक्स्ट में और एक मंदिर था, एज यू कैन सी। सो जैसे मैंने बताया था ये खाली खाली था, खुला ज़रूर था पर इतना क्राउडेड नहीं था, एज यू कैन सी। एंड आफ्टर दैट वी वेंट टू दिस थर्ड ईमा कैथल मार्केट। एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर मेखला, मणिपुरी मेखला, मणिपुरी गाले जो हम बोलते हैं, तो ये आपके लिए सही जगह है, बिकॉज यहाँ पे मणिपुरी गाले बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन आपको मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे नॉट ओनली गाले मेखला, यहाँ पे आपको चुन्नी मिल जाएगा जो कि बहुत प्रीटी है जो मैंने देखा है। एंड यहाँ पे कॉटन टॉवल्स मिल जाएंगे एंड शॉल्स मिल जाएंगे एट्सेट्रा एट्सेट्रा। यहाँ आके आप कुछ ना खरीद के जाओ ये पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज यह आपको मजबूर कर देगा कुछ खरीदने को, बिकॉज यहाँ के कलर्स देख के एंड यहाँ के डिज़ाइन देख के आप आई मीन श्योर यू विल एंड अप बाई समथिंग फॉर श्योर। ये है मणिपुरी गाले जो फेमस है। यू नो बहुत ज़्यादा घूमने के बाद, क्योंकि हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि कौन सा में जाके रुके एंड देखे, बट फाइनली हमने यांटी के यहाँ पे दुकान में स्टॉप किया। एंड यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे बहुत सारा सुंदर सुंदर गाले अवेलेबल था, द कलर्स वर सो प्रिटी। एंड ये वाला जो आंटी दिखा रहा था, बताया था कि ये वाला मुगा का है। एंड ये मुगा का वाला थोड़ा सा मोटा होता है, थोड़ा कंपेयर टू एक और एक सेम कलर सेम डिज़ाइन में आता है, पर वो थोड़ा सा पतला होता है मुगा से। आई फॉरगॉट कि उसका नाम क्या था, बट वो मुगा वाले से थोड़ा सा पतला ट्रांसपेरेंट दिख रहा था। सो वी थॉट कि इट इज़ बेटर टू बाय दिन मुगा वाला। ये वाला जो आंटी दिखा रहे थे, ये वाला जैसे कि मैंने कहा मुझे नाम याद नहीं है, बट ये मुगा वाला से जो पतला वाला है मटेरियल, ये वाला था। बट इसमें भी अगेन द कलर्स वर सो प्रिटी एंड ब्यूटीफुल, वी वेर लाइक सो कन्फ्यूज। हर एक जो भी गाला दिखा रहा था, जो भी कलर दिखा रहा था, वो सब पसंद आ रहे थे। बट फाइनली मेरा दीदी ने फाइनल किया उसका जो पसंद था। सो यू नो हम लोग यहाँ पे ऑलमोस्ट एक घंटा रुका, वो भी कलर्स एंड गाला चॉइस करने के लिए, बट फाइनली हमने चूज़ किया, मेरा दीदी को जो पसंद था वो ले लिया। सो उसके बाद हम चले अपने घर।
ओके, दिस वन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, सो आई विल टेल यू लेटर ये क्या है, बट जिसको पता है वो जान जाएंगे, जान चुके होंगे ये क्या है। मणिपुर आके आपने अगर शिंजू एंड निरंबा ट्राई नहीं किया तो क्या बात है, क्या बात करें, है कि नहीं। सो ऑन द वे हमने शिंजू लिया, ये 50 रुपये का लिया हमने, ये जो पैकेट में आया था एक साथ। एंड यहाँ पे दो कैबेज क्यूकम्बर दिया एंड एक आई थिंक वो पी का पत्ता था वो भी था। घर से ट्रैवल करते समय अपना नमक मिर्चा का डब्बा ज़रूर लेके आएगा, ये लोकली मेड है, हम लोगों ने घर से लेके आया, ये बहुत झाल है। एंड यू नो सबको ये लेके जाना है, खाने पीने का कभी प्रॉब्लम होता है एंड वी नोटिस एंड यू नो मिर्चा बहुत खाता है। एंड अगेन किंग चिली भी लेके आया बैकअप के लिए, सो लेट्स टेस्ट। दिस इज़ वेरी 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 इंटरेस्टिंग, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। एंड दिस इज़ द लोटस सीड, यस ये लोटस का सीड है। एंड इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसको खा सकते हैं। एट फर्स्ट मुझे पता नहीं था कि ये लोटस का सीड है एंड बहुत सरप्राइजिंग था कि इसको खा सकता है। मेरा दीदी बताया था कि कहीं वीडियो में देखा था इसको खाते हुए। एंड आई विल शो यू कि इसको खाता है, ये वाला इसको पील करता है थोड़ा और एंड ये अंदर वाला को खाता है। एंड इसका टेस्ट थोड़ा स्वीट है। एंड यू नो द फनी थिंग कि जब फर्स्ट टाइम ट्राई किया लोटस सीड को, हम लोगों ने सोचा कि इसको डायरेक्ट यू नो ऐसे पॉप करके सीधा खाएगा, बट हमने जब टेस्ट किया था वो बहुत कड़वा निकला। फिर गूगल से देखा, यूट्यूब से देखा कि कैसे खाता है, सो इट वॉज फन, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत इंटरेस्टिंग रहा। सो ठीक था खाने में, इट वॉज स्वीट। एंड लेटर ऑन वही शाम को हमने पकौड़ा लिया, ये वाला इट वॉज वेरी टेस्टी, बहुत अच्छा था, बहुत ये भी बहुत अगेन यूनिक था। एंड चना मिला वो भी बहुत टेस्टी था। सो या उसके बाद नेक्स्ट डे चले टाटा बाय बाय करके अपने घर। हमेशा एक या दो घंटा पहले निकल जाए एयरपोर्ट के लिए, बिकॉज यू नो उस दिन बहुत सारा लोगों का प्लेन छूट गया था, मे बी बिकॉज ऑफ ट्रैफिक और आई डोंट नो। सो मेरा सलाह है कि एडवांस निकलो, कभी भी एग्जैक्ट समय पे मत निकलेगा। सो मणिपुर का एक्सपीरियंस अच्छा था, बहुत अच्छा था, स्पेशली ये लोकताक लेक वाला। सो मेरा सजेशन ये कि यहाँ आए तो इमा मार्केट घूमिएगा ज़रूर, एंड लोकताक लेक तो ज़रूर देखिएगा ऊपर से और नीचे से भी। एंड खाना ज़रूर टेस्ट करिएगा, यहाँ पे स्ट्रीट फूड ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा है, स्पेशली शिंजू बहुत अच्छा था। एंड दैट पकौड़ा अच्छा था, वो आलू का बना था एंड चना भी था, वैसे हमने पूरा ट्राई नहीं किया था बट। एंड लोटस, यस लोटस सीड ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा था। सो मणिपुर का जर्नी यहीं पे ख़त्म होता है एंड इट वॉज लवली एक्सपीरियंस। एंड ये मेरा कुछ पिक्चर्स है दैट आई वॉन्ट टू शेयर विद यू। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। एंड इसी तरह मेरा वीडियो देखते रहेगा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट एंड आई सी यू नेक्स्ट टाइम, एक नया वीडियो एक नया जगह। तो टिल देन सी यू नेक्स्ट टाइम। Hehehe